सिमला फॉर पीस एंड हार्मनी। एक तरफ है देवभूमि संघर्ष समिति जो कि कल एक बड़ा प्रोग्राम कर रही है, लेकिन एक तरफ है ये जो कि पीस मार्च कर रहे हैं। लेकिन क्या ये मकसद है? पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि कई काफी बवाल हो रहा है, चाहे हम इलीगल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद वक्फ बोर्ड के वाली बात आ गई, सब आ गई। आज का जो मकसद है आप लोगों का, सबका बाहर निकल कर सब समुदाय जो बोल रहे हैं, क्या है? आप कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं और क्या देख रहे हैं? सर, हम यहाँ पे हमारे बाप दादा तो 47 से पहले शिमला में ही रहते थे, फिर अब हम भी 65 साल की मेरी उम्र आ गई। मेरा नाम सलमा है, मैं 65 साल से शिमला के अंदर है। हाँ जी, और ये बवाल मचाया हुआ है कि ये हिंदुस्तान, ये मस्जिद अवैध है, ये है, ऐसा कुछ नहीं है, वक्फ बोर्ड की जगह में है सब। 60 साल में हमने कोई न्यू मस्जिद नहीं यहाँ पे देखी है। हाँ, ऐसा है, थोड़ा एक मंजिल थी, 2 मंजिल कर दी है क्योंकि पब्लिक बड़ी है, उस हिसाब से वो ऊपर की गई है। एरिया उतना ही है मस्जिदों का जितना मस्जिद थी, कुसुमटी की मस्जिद, छोटे शिमला की मस्जिद, संजौली की मस्जिद, बालूगंज की मस्जिद, ईदगाह की मस्जिद, बाजार की मस्जिद, उतने ही एरिए में है जो 47 से पहले थी, वो आज भी ऐसे ही है, कोई नया उसमें। तो क्या कारण है आपको लगता है कि ये पूरा बवाल हो रहा है, किस वजह से? इसमें पॉलिटिक्स देखते हैं क्या? देखिए, ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब देश का आजादी हुई थी, देश की आजादी में सभी लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी है, वो चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, सबने आप अपनी जान की कुर्बानियां दे करके इस देश को आजाद किया है। लेकिन आज कुछ एक चंद लोग जो है असामाजिक तत्व हम लोग कह सकते हैं उनको, कि जो पूरे प्रदेश का और पूरे हिमाचल का और पूरे हमारी शिमला जो राजधानी है, इसमें अनिरुद्ध सिंह है, विक्रमादित्य है, इन लोगों ने भी बात उठाई। एक तो इलीगैलिटी की बात है, एक है जो माइग्रेंट्स हैं, नाम रेस्टोरेंट्स पे लिखने वाली बात है, उसको कितना आप जायज मानते हैं? ये बिल्कुल जायज नहीं है, क्योंकि ये उनका बेतुका सा एक बयान था। ये जो अगर हम देखा जाए तो वो हिंदुओं की तादाद यहाँ पे ज्यादा है, मुस्लिम फिर भी बहुत कम है, लेकिन कई सालों से जो वो बिल्कुल मिलजुल के रह रहे हैं, तो जो उनके ऊपर आज ये लड़ाई का जो उठाया गया मुद्दा है वो बेतुका है। तो देखिये, यहाँ पे हर जगह एक हाथ में पोस्टर लगा हुआ है। मैम, क्या बोलना है आपके इस पूरी चीज पे? आप यहाँ पे आए हैं, आज शिमला की भीड़ देखकर क्या बोलना चाहेंगे? यही बोलना चाहेंगे कि ये भीड़ देख के शायद अंदाजा हो गया होगा कि एकता में ही अनेकता में ही एकता है, अनेकता में ही एकता है। तो आप देखिए, यहाँ पर अब ये मार्च शुरू हो रहा है, और खास तौर पे इस वक्त जिस तरह से देखिए कि पोस्टर्स के साथ यहाँ पे एकजुटता दिखाने की कोशिश है, और खास तौर पे उस समय जहाँ पे 28 तारीख को देवभूमि संघर्ष समिति की तरफ से एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जाहिर सी बात है, जेल भरो आंदोलन तक की बात की जा रही है, और वहां पर यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर भीड़ जुट रही है, पोस्टर्स नजर आ रहे हैं, हर चीज है। तो खास तौर पे अगर हम बात करें, वहां पे कई लोग हैं जो कि संविधान की बात कर रहे हैं, और यहां पर सामने अब देख सकते हैं कि भीड़ भीड़ है, और ये डीसी ऑफिस से मार्च किया जा रहा है आगे की तरफ। और जाहिर सी बात है, आज का दिन अहम दिन है, और बात करना चाहेंगे इतनी एकजुटता देख के, क्या आपको क्या बोलना? वो बोल रहे थे, बोलना नहीं चाह रहे हैं। और इस वक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से, सर क्या बोलना चाहेंगे आज इतनी भीड़ देख के, क्या सुनना चाहेंगे आप? देखिए, बात यह है, शिमला की जो बुनियाद है उसको बचाने की पहल है, और शिमला की बुनियाद ये है कि ये माइग्रेंट्स का शहर है, और आज़ादी से पहले भी, और ये बसाया गया ब्रिटिश द्वारा, और पूरे देश से लोगों को यहाँ पर लाकर तब शिमला को चलाया गया, और ये इसके और अमन चैन के साथ इसका इतिहास है, लोगों को रहे हैं, चाहे वो कश्मीर से 150 साल पहले मुसलमानों को लाए, या पेशावर से जो लोग आए आज़ादी के बाद, या फिर वाल्मीकि हमारे जो आए जिनको अंग्रेज यहाँ पर लाए। तो ये दरअसल बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर है, जैसे हमारे पूर्वज यहाँ पर करीब 40-50 साल पहले, हर कोई इस शहर में कभी ना कभी आया है, क्योंकि यहाँ की अगर मेजर ठकुराइयाँ आप देखेंगे तो शिमला कभी भी यहाँ के लोकल हैबिटेट नहीं था, वो या जुन्गा थी या कोटी थी। तो इसी तरह से शहर बना है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसने सबको असिमिलेट किया है,
सब जैसे अनिरुद्ध सिंह है, विक्रमादित्य है, मंत्री नहीं, सरकार के लोगों ने भी ये पूरा मुद्दा उठाया है। कई बार बोलते हैं कि चलिए उसको अंग्रेजी में हम लोग इन्फेंटाइल डिसऑर्डर बोलते हैं, इन्फेंटाइल डिसऑर्डर आप उनसे, लेकिन उनकी जवाबदेही उनकी सरकार के द्वारा है। हमारी जवाबदेही ये है कि लोग हमेशा, इस शहर की रेजिलियंस बड़ी हाई, जब 84 के राइट्स हुए तब भी यहां पर हुए, लेकिन तब वापस रेजिलियंस वापस आई, और आप देख सकते हैं लोगों को, ये एक सेक्शन नहीं, क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल, सब शिमला के बाशिंदे हैं, कोई बाहर से नहीं आए हैं। तो ये, और ये यही खूबसूरती, क्यों? क्योंकि टूरिज्म ब्रेड एंड बटर है, कोई भी नहीं चाहता है कि उसका टूरिज्म खराब हो जाए यहाँ पर। मतलब आप ये लगाएं कि ऑलमोस्ट सभी बात आ रही है कि माइग्रेंट्स हैं वो, चाहे दूसरे हिस्से से क्यों नहीं आ रहे, संविधान उन्हें ये इजाजत देता है। हाँ, तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि हम और बात करें। सर आप ये बताइए, किस तरह से आप लोग यहाँ पर, संविधान की बात हो रही है, ये बात हो रही है कि किस तरह से एकजुटता नजर आ रही है। सर आपसे भी बात करेंगे, आप यूपी के रहने वाले हैं, इस्लाम है मेरा नाम, तो आप, आपसे हमने पहले बात की थी, तो ये आप बताइएगा कि बाहर से आके कितने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, और आपने पहले ऐसा माहौल देखा है? कभी हमने ऐसा माहौल नहीं देखा जो आज देखना पड़ रहा है। और अगर कोई भी इस तरीके का मस्जिद का मामला है, वो अवैध है या वैध है, वो तो कानून का काम है, इसमें किसी पार्टी का काम नहीं, किसी व्यक्ति का काम नहीं। कानून किसके लिए? सबके लिए। हम आए कि ये तोड़ो या ना तोड़ो, इसका हमारा काम नहीं है, ये तो जो काम है वो कानून करेगा, कोर्ट में है वो कोर्ट करेगा। जानते हैं कई लोग जो छोड़ के गए हैं इस माहौल को देखें? बस वो तो जी बहुत सारे लोग छोड़ के गए थे, बहुत सारे लोग छोड़ के भी चले गए, क्या पता वो आए या ना आए, ये है बात। इससे हिमाचल का भी नुकसान है, क्योंकि जो वो काम करते वो अब नहीं हो पाएगा, जो भी छोटा मोटा काम कर रहे थे उसमें हिमाचल का भी विकास है, उन लोगों का भी विकास है, और इनका भी है। आप कहाँ से जुड़े हुए? ये भी सहारनपुर। तो आज आप आए हैं क्या मैसेज देने के? ये सबके साथ है जी, जो सब दे रहे मैसेज वही हम देंगे। तो आज आपको यहाँ पे नजर आएगा, और आप ये देखिए, ये अहम रिज रोड है और उसके सामने डीसी ऑफिस है, और यहाँ पे अब ये जो मार्च है वो शुरू हो रही है, और इस वक्त अगर हम बात करें तो भीड़ जुटती जा रही है, और जाहिर सी बात है एक संकेत है, एक मैसेज है। और जिस तरह से कई लोग बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, और यूनिटी और डाइवर्सिटी दोनों ही भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये वाली जो बात है वो अब सामने आ रही है, लेकिन किस तरह से चलेगा, क्या होगा आने वाले दिनों में, वो देखने वाली बात होगी। संजय चौहान साहब हैं, सर आप ये बताइए, आज जब आप लोग एकजुटता की बात करें, आप एक्स मेयर हैं, आपने इतने सालों से यहाँ पे रहे हैं, इस तरह का आपको लगता है एक संकेत देना बहुत जरूरी था, एक मैसेज टू सोसाइटी के, जो शिमला में हमने जिस तरह से विरोध प्रदर्शन देखा, जिस तरह से आइडेंटिटी कार्ड्स की बात की है, फिर बाद में आधार कॉन्ट्रोवर्सी, एक के बाद एक कॉन्ट्रोवर्सी आ रही है, और सडनली ऐसा लग रहा है एक कम्युनल सिस्टम है यहाँ पर, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है कि खासतौर पर एक फ्लेयर अप की तरह जो सिचुएशन बन रही है? आपने एक वर्ड यूज किया कि कम्युनल सिस्टम है, यहाँ कभी नहीं रहा, 150 साल से ज्यादा शिमला का इतिहास है, इसमें एक भी जो है कुछ तत्व जो है कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ये शिमला शहर की जनता ने कभी भी इस तरह का व्यवहार जो है वो टॉलरेट नहीं किया, जो भी उपद्रवी है, जो भी इस माहौल करने वो जो है ये करते नहीं है। शिमला में 150 साल का इतिहास है, कभी इस तरह के सांप्रदायिक दंगे, जात के नाम से दंगे, सब समुदाय जो है यहाँ पर दशकों से जो है, सदियों से सब मिलजुल। एक वार्निंग जो आई है देवभूमि, वो तो बोल रहे कि जेल भर देंगे हम अगर, वो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, है ना। देश तो संविधान से चलेगा, कानून व्यवस्था से चलेगा, वो प्रशासन को और सरकार की जिम्मेवारी है कि वो कानून और व्यवस्था बनाए रखे। हम आज संदेश दे रहे हैं सारे शहर का, हर वर्ग आप देख रहे हैं, हर वर्ग है, ईच एंड एवरी सेक्शन, और ये बाहर से एक भी नहीं है, सारे शहरी हैं। आज हम संदेश दे रहे हैं, क्योंकि शिमला जो है ये न केवल देश के अंदर, विदेशों के अंदर भी एक ऐतिहासिक शहर है, तो ये एक संदेश दे रहे हैं हम देश और दुनिया को आज इस पीस मार्च के माध्यम से, कि हम सब स्वार्थ से रहते हैं, हारमनी से रहते हैं, शिमला शहर में पीस एंड हारमनी है, जो इस तरह का एलिमेंट है जो इसकी पीस और हारमनी को तोड़ने का काम करता है, उसके लिए यहाँ पर कोई भी जगह। शिमला फॉर पीस एंड हारमनी, सर आपका क्या कहना है? मैंने बता दिया, बोल दिया था पहले, बोल दिया। तो यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं, भीड़ी भीड़ आपको नजर आएगी, और खासतौर पर उस समय जब हम बात करें विरोध प्रदर्शन का, जो दौर है वो चल ही रहा है,
कैमरा पर्सन चांदी के साथ कमलजीत संधू, शिमला आज तक।